हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता। गीता किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार टेस्टी हरी मिर्च की सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप इसे खाइए, ये बिल्कुल भी आपको कड़वी नहीं लगेगी। और आप इसे एक बार बनाएंगे ना, तो आप इसे बार बार खाएंगे और इसे घर में बनाएंगे। तो मिर्ची की दही वाली सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 250 ग्राम हरी मिर्च। तो इसे हम डंडी समेत ही काटेंगे। तो हम एक मिर्च ली है हमने, और इसको हम बीच में से इसके दो भाग कर देंगे। आप चाहें तो चार भी कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो जो बीज है उसे आप इस तरीके से हल्का हल्का निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बीज के समेत ही ली है और डंडी के समेत ही हम इसे काटेंगे और बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी मिर्ची जो है सेंटर से काट लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारी मिर्ची काट ली है। और अब हम गैस पे कढ़ाई रख के उसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। तो देखिए, कढ़ाई लेके मैंने तेल को इस तरीके से चारों तरफ फैलाया है, और गैस को हमने गर्म होने के बाद मीडियम कर देना है। दो मिनट इसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। इसे अच्छे से हिला देंगे, और जब भी जीरा तड़क दे तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। और अच्छे से हिला देंगे इसे। इस तरीके से हम धीरे धीरे इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे दो मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, दो मिनट के बाद हम इसमें जो हमारी मिर्ची है थोड़ी थोड़ी पक गई है, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया पाउडर। आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाला, आप आधा भी डाल सकते हो। और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच सौंफ। तो दोस्तों, अगर आप सौंफ का फ्लेवर अच्छा ज्यादा लगता है आप, तो आप इसको ज्यादा भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे दो मिनट हिलाने के बाद एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। मिर्चियों को अच्छे से हिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, एक छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक नींबू का रस। नींबू का रस जो है इसमें बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर लेके आता है, और आप इसे जरूर डाल लें। और इसे अच्छे से हिला देंगे। के रस को भी हमने मिर्चियों में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और दो तीन बार हिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे दो चम्मच दही। दही जो है बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा दही पहले डाला है, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा एक चम्मच दही में फिर से डालूं। चाहे तो इसे इकट्ठा भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दही लिया है, जिसमें से मैंने आधा डाल दिया और दो चम्मच मैंने बचा के रख लिया है, जो कि मैं बाद में डालूंगी दो तीन मिनट हिलाने के बाद। और आप चाहे तो दही ज्यादा भी डाल सकते हो। और अब मैं दो मिनट हिलाने के बाद, जैसे ही दही थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, इसमें दो चम्मच दही और डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर दूंगी। और दही सूखने तक हम इसे पकाएंगे दो मिनट के लिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी या आधी से भी कम, आप चाहें तो बिना पानी के भी बना सकते हो, पानी डालने से इसका स्वाद और भी बढ़िया सा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे चार चम्मच पानी लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं मिर्चियों में, और गलने तक इसके या पानी सूखने तक इसे मैं पकाऊंगी इस तरीके से हिलाते हुए।
पानी डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है और इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम इसे, ताकि जो मिर्ची है पूरी तरह से गल जाए। बाद हम इसे ढक्कन खोल के देखेंगे कि मिर्ची हमारी गल गई है कि नहीं। पानी को पूरा नहीं हम सुखाएंगे, थोड़ा सा सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखते हैं, मिर्ची हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज कर दिया ताकि थोड़ा सा पानी और सूख जाए। फ्रेंड्स आप इसे जरूर बनाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और ये चौकी मिर्ची से भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप इसे खाएंगे तो आप सब्जी का स्वाद भी भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। आप इसे जरूर बनाइए। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया या फिर आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो फ्लेवर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मिर्ची की सब्जी हमारी बनके तैयार है और मिर्ची भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डालेंगे। गैस बंद कर दिए देते हैं। तो दोस्तों हमारी मिर्च की चटपटी और मजेदार सब्जी बनके तैयार है, आप इसे खाइए और इसका मजा लीजिए। आप बहुत ही ये स्वादिष्ट सब्जी बनी है, आप इसके साथ अगर खाएंगे ना तो आप सब्जी का स्वाद भूल जाएंगे और मिर्च की सब्जी के साथ ही आप खाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।